हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर आप जो है सऊदी अरेबिया में रहते हैं तो आपको जो है एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके ऊपर जो है 1 लाख रियाल का जो है फाइन आ सकता है। तो दोस्तों, दो जो है खबर आ रही है सऊदी अरेबिया से। कल जो है दोस्तों, सऊदी में एक नया कानून जो है लागू होगा। कानून के हिसाब से बताया गया है दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में, चाहे आप हाउस ड्राइवर हो और आपका कोई दोस्त जो है बाहर रहता है, आपके पास नहीं रहता है, कहीं बाहर काम करता है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है बाहर काम करता है और आप जो है अपने रूम में बुला रहे हो अपने दोस्त को, चाहे अपने रिश्तेदार को, अगर आप बुला के उसको खाना खिला रहे हो चाहे पानी पिला रहे हो तो ठीक है। अगर उसको बोलते हो कि आज जो है आप रह जाओ रात को, कल सुबह में चले जाना, नहीं आपका दोस्त जैसे कि सुबह में आया है, आप बोल रहे हो कि कल जो है 2 दिन के बाद चाहे 3 दिन के बाद आप चले जाओ, आप मेरे रूम में रहो, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं कल से, तो दोस्तों आपको जो है आपके इकामे पे जो है 1 लाख रियाल का फाइन देना पड़ सकता है आपको, क्योंकि दोस्तों कानून के हिसाब से बताया गया है कि आप जो है अपने रूम में चाहे अपने रिश्तेदार को चाहे अपने दोस्त को नहीं रख सकते हो, आप सऊदी में रहते हो तो, चाहे कंपनी में चाहे हाउस ड्राइवर में। तो आपको इस कानून को मानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी भी आपके जैसे कि आपका दोस्त रह रहा है और चेक इन हो रही है रूम रूम में, अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी पकड़ लिया तो 1 लाख रियाल का फाइन है। दूसरी खबर यह है दोस्तों, सऊदी में 2022 जनगणना हो रहा है। अगर आपके नंबर पे इस तरीके से मैसेज आ रहा होगा तो सोचिए 1 से 2 दिन के बाद आपसे कोई भी गवर्नमेंट का आदमी जो है संपर्क करेगा, आपके रूम पे आएगा और आपका इकामा नंबर मांगेगा और आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर आप जैसे देंगे तो आपके नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आता है, तो वही वेरिफिकेशन जो कोड है आपको उसको देना है। फिर जो है आपको एक स्टिकर देगा जिसमें QR जो होता है वो बोलेगा कि अपने रूम के दरवाजे पे लगा लीजिए, तो आपको लगा लेना है। तो इसके वजह से पता चलेगा कि आपके रूम में कितना आदमी है, आपसे पूछेगा भी आपके रूम में कितना आदमी है, तो रूम में किसी का भी एक आदमी का इकामा नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, जो गवर्नमेंट का आदमी होता है जनगणना जो कर रहा है, तो आपको दे देना है, घबराना नहीं है। क्योंकि दोस्तों पता चल रहा है कि सऊदी में पता किया जा रहा है कि अजनबी आदमी कितना है और सऊदी कितना आदमी है, तो इसीलिए जनगणना 2022 किया जा रहा है। तो आई होप कि मैंने जो आपको जानकारी दिया पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।